तो पिछले एपिसोड में हमने देखा मीको और यूसु के अपनी मॉम के लिए बर्थडे प्रेजेंट की शॉपिंग कर रहे होते हैं। हालांकि चेंजिंग रूम में एक भूत के दबाव में आकर मीको खुद के लिए ही वो ड्रेस खरीद लेती है। ऐसे ही कुछ और अजीबोगरीब इंसिडेंट्स होने के बाद वो फैसला करती है उन दोनों भूतों की मदद करने का, पर तुरंत ही वो उस डिसीजन से पीछे हट जाती है। पर अगले दिन जब मीको स्कूल पहुंचती है तो उसके प्रेग्नेंट टीचर के रिप्लेसमेंट में वहां एक नए टीचर की एंट्री होती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि वही शख्स होता है जिसके पीछे बिल्लियों की प्रेत आत्माएं होती हैं। अब आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लेट्स टॉक अबाउट आवर टुडेज़ स्पॉन्सर। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय बिलीबिली कॉमिक्स। ये कॉमिक्स रीड करने की एक ऑफिशियल ऐप और वेबसाइट है, और सबसे खास बात ये कि ये तापस या फिर वेबटून्स की तरह पेड नहीं बल्कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें थाउजेंड्स ऑफ कॉमिक्स अवेलेबल हैं, वो भी डिफरेंट जेनर्स के, रोम कॉम, एक्शन, थ्रिलर, हॉरर, और हमारे प्यारे एचई लवर्स के लिए तो इसमें भर भर के रिसर्च मटेरियल्स अवेलेबल हैं। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको इसकी वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी। इस वीडियो के बाद चेकआउट करना मत भूलिएगा। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि जेन क्लास को अपना इंट्रोडक्शन देता है, जो कि अब मीको की क्लास का नया होम रूम टीचर होता है। जेन वही लड़का है जो कैट को अडॉप्ट करने आया था, पर मीको ने उसमें भूत देखकर उसे मना कर दिया था। क्लास की सारी लड़कियां जेन की तारीफ करने लगती हैं। हना मीको से कहती है, इसे हमने कहीं देखा है क्या? तभी मीको सारी पुरानी चीजें याद करने लगती है, और वही जेन के आसपास बहुत सारे भूत वाला सीन याद आता है। मीको जेन को वापस से देखती है और नोटिस करती है कि उसके आसपास भूत अभी भी हैं। हना मीको से वापस से पूछती है, क्या इसे हमने कहीं देखा है? फिर जेन अटेंडेंस लेने लगता है। वो एक एक करके सारी लड़कियों के नाम लेने लगता है। हना अब भी बैठी सोच रही होती है कि उसने जेन को आखिर कहाँ देखा था। तभी उसको भूख लगने लगती है और वो खाना खाने लगती है। मीको हना को खाते हुए देखती है कि उसी टाइम हमें दिखाया जाता है कि मीको के बगल के विंडो के बाहर एक बहुत बड़ा दरिंदा है जिसका मुंह खुला होता है, और वो जेन को देखकर अजीब अजीब आवाज निकाल रहा होता है। सीन कट हो जाता है और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि हना और मीको स्कूल के स्टोर में आए होते हैं। हना बहुत सारी स्नैक्स खरीदती है, जिस पर मीको कहती है, इतने सारे स्नैक्स, ये तो तुम्हारे पेट के साथ नाइंसाफी है। जिस पर हना कहती है, मैं क्या करूं, मुझे सुबह से बहुत भूख लगी है। तो मीको कहती है, तुम अभी ही तो पीरियड्स के बीच में मेलन ब्रेड खा रही थी। जिस पर हना कहती है, उसे खाना थोड़ी ना कहते हैं, और वैसे भी ऑटोमन का सीजन खाने का सीजन होता है। वापिस लौटते हुए हना मीको से पूछती है कि मुझे अभी भी याद नहीं आ रहा कि मैंने उस नए टीचर को कहाँ देखा है। जिस पे मीको उसे झूठ बोलते हुए कहती है कि शायद वो कोई और जैसा दिखता होगा और उसी की याद दिला रहा होगा। मीको अपने मन में बोलती है कि हना ने उसके आसपास वो डरावने भूत नहीं देखे, इसलिए उसे याद नहीं है वो। तभी हना कहती है कि शिट, मैं ब्रेड लेना तो भूल ही गई, और इतना कहकर वो ब्रेड खरीदने चली जाती है। मीको अपना फोन चलाने लगती है और देखती है कि कोई इवेंट होने वाला है जिसमें एक हॉरर शो को पास करने पर 20 डोनट्स मिलेंगे। मीको विंडो से कॉरिडोर में देखती है कि वहां पर वही न्यू टीचर जा रहे होते हैं कि तभी उस टीचर की तरफ की ग्लास विंडो पर कोई भूत जोर से हाथ मारता है, और जैसे जैसे जेन आगे बढ़ता है वैसे वैसे वो निशान उस विंडो पर बनते जाते हैं, जिसे देख कर मीको डर जाती है और सीधे वॉशरूम चली जाती है। वो बहुत डरी होती है और सोच रही होती है कि वो ये सब कैसे झेलेगी, कि तभी उसे किसी के आने की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो एक टॉयलेट रूम में छुप जाती है। उसे बाहर से दो लड़कियों की बात करने की आवाज आती है, जिससे वो राहत की सांस लेती है और गेट से टिक कर खड़ी हो जाती है, कि तभी वो देखती है कि एक भूत का सर कमोड से निकल रहा होता है, जिसे देख कर वो डर जाती है। वो भूत बाहर निकलता है, वो काफी बड़ा होता है। वो लगातार मीको के आसपास उसे डराने की कोशिश कर रहा होता है। मीको उससे बचने के लिए वो पेपर रोल खत्म होने का बहाना मारती है और टॉयलेट रूम से बाहर निकल जाती है। वो भूत भी उसका पीछा कर रहा होता है। मीको अगला वाला टॉयलेट रूम खोलती है कि वो वहाँ देखती है कि वहाँ यूरिया बैठकर खाना खा रही होती है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर शर्मिंदा हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें हना ब्रेड खाती दिखाई देती है और कहती है कि उसे ये ब्रेड अच्छी नहीं लगी, और वो यूरिया से भी खाने को पूछती है। मीको सोचती है कि मुझे सावधान रहना होगा क्योंकि वो भूत कई सारे हैं।
वो आगे यूरिया से पूछती है कि क्या तुम रोज वहीं खाना खाती हो, जिस पर वो कहती है नहीं। मिको आगे कहती है कि वहाँ अब अगली बार से मत खाना खाना। हना उसे क्रीम पफ देते हुए कहती है कि तुम हमारे साथ खाना खा सकती हो। मिको उन दोनों को देखकर खुश होती है और वो फर्स्ट फ्लोर पर देखती है जहाँ जेन गुजर रहा होता है, जिसे देखकर वो कहती है कि मुझे विश्वास नहीं होता कि वो हमारा टीचर बन गया है, और वो भी होम रूम टीचर। मुझे सबका ख्याल रखना होगा ताकि मेरे दोस्तों को कोई प्रॉब्लम ना आए। वो ये सब सोच ही रही होती है कि तभी वहाँ एक बहुत बड़ा घोस्ट मिको के कान में बोलता है कि उधर मत देखो। मिको ये सुनकर बहुत डर जाती है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, जिसे देखकर यूरिया और हना पूछती हैं कि तुम्हें क्या हो गया मिको। नेक्स्ट सीन, मिको, हना और यूरिया मिस डो के हॉन्टेड हाउस देखने के लिए आए होते हैं। हना बहुत डरी हुई होती है, पर हॉन्टेड हाउस के अंदर जाने के लिए 20 डोनट्स मिलेंगे, ये बात सुनकर वो अंदर जाने के लिए तैयार हो जाती है। मिको कहती है ओह तो तुम्हारी भूख तुम्हारे डर से जीत गई। मिको हॉन्टेड हाउस को देखकर अपने मन में कहती है हॉन्टेड हाउस, हाँ। इतना कहकर वो आज के अपने साथ हुए भूतों के इंसिडेंट्स को याद करती है और फिर आगे अपने मन में कहती है मैं इस जगह पर खुद को ट्रेन कर सकती हूँ। तभी मिको, हना और यूरिया की हॉन्टेड हाउस में जाने की बारी आ जाती है। उनको बताया जाता है कि उनको अंदर जाके स्टैम्प्स कलेक्ट करने हैं। फिर मिको, हना और यूरिया हॉन्टेड हाउस के अंदर चले जाते हैं। वो गेट खोलते हैं। हना कहती है मेरा दिल इन सब चीजों के लिए तैयार नहीं है। वहां पर बहुत अंधेरा होता है। हना बहुत डर जाती है, फिर भी वो तीनों आगे बढ़ते हैं। तभी वहां पर इन लोगों को एक भूत दिखता है जो असल में एक नकली भूत होता है। उसके पेट में चाकू घुसा होता है। वो भूत तीनों को हाई करता है। हना उस भूत को देखकर डर जाती है और कहती है इसको तो काफी अच्छे से बनाया हुआ है। वो तीनों आगे बढ़ जाते हैं और उन लोगों को रास्ते में बहुत सारे नकली भूत मिलते हैं। हना मिको से चिपक चिपक के चल रही होती है क्योंकि उसको बहुत डर लग रहा होता है। यूरिया चलते चलते अपने मन में कहती है जो इंसान असल में भूतों को देख सकता है उसके लिए तो ये हॉन्टेड हाउस कुछ भी नहीं है। वो आगे कहती है अगर हम लोग सीधे सीधे चलते रहें स्टैम्प्स कलेक्ट करने के लिए तो हमें डोनर्स मिल जाएंगे। तभी वो तीनों रुक जाते हैं और देखते हैं कि उनके बगल में एक बहुत ही बड़ा भूत खड़ा होता है, जिसके हाथ में बड़ा सा चाकू होता है। हना भूत को देखकर जोर से चिल्लाती है और वो तीनों लोग वहां से भागने लगते हैं। वो भागते हुए आगे जाते हैं और फिर एक जगह रुक जाते हैं। यूरिया मन में कहती है मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। हना मिको से चिपकी बैठी होती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है और दुकानदारों को इस हॉन्टेड हाउस बनाने के लिए कोसने लगती है। मिको अपने आसपास देखते हुए अपने मन में कहती है यहाँ के भूत उन भूतों से बहुत अलग हैं जिनको मैं रोज देखती हूँ। तभी हना के पास एक स्पाइडर आ जाता है और वो डर कर जोर से चिल्लाते हुए मिको से चिपक जाती है, जिस पर मिको कहती है मैं तुम्हारी चिल्लाने की आवाज से डर जाती हूँ। तो हना कहती है पर मैं इसका कुछ नहीं कर सकती हूँ। मिको कहती है तुम उस शापित बिल्डिंग में तो बिल्कुल सही थी, याद करो। तो हना कहती है पर वो पूरी खाली थी, तुम उस बिल्डिंग को और इस बिल्डिंग को कंपेयर नहीं कर सकती हो। यूरिया शापित बिल्डिंग का नाम सुनकर शॉक हो जाती है और अपने मन में कहती है शापित बिल्डिंग, वही बिल्डिंग जहाँ पे बहुत सारे भूत हैं? क्या मिको और हना साथ में गए थे? फिर यूरिया इमेजिन करने लगती है कि मिको और हना उस कर्स बिल्डिंग में गए हैं और हना खाना खाकर अपने अंदर पावर ले आती है, जिस वजह से सारे भूत हना के पास आ जाते हैं और तब तक मिको अपना काम कर लेती है। यूरिया अपने मन में कहती है कितने अजीब हैं दोनों। तभी यूरिया को कुछ आवाज आती है, वो रुक जाती है। मिको और हना आगे बढ़ जाते हैं। यूरिया पीछे मुड़कर वहां रखा एक स्केलेटन को देखती है और डर जाती है और वो भागकर मिको और हना के पास चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि उस स्केलेटन के पास एक छोटा ओल्ड मैन वाला भूत होता है। सीन चेंज होता है। हना थक कर नीचे बैठ जाती है और कहती है अब बस मैं और नहीं कर सकती, जिस पर मिको कहती है तो क्या करें हम, क्विट कर दे? तो हना कहती है नहीं, मैं अपने डोनट्स नहीं छोड़ सकती। तभी एक डोर खुलता है और उसके अंदर से एक बहुत ही बड़ा फेक भूत होता है, जिसके हाथ में ब्लेड होता है। हना उस भूत को देखकर जोर से चिल्लाने लगती है और फिर वो तीनों वहां से भागने लगते हैं। वो ब्लेड वाला भूत भी उनके पीछे भागने लगता है। वो तीनों भागते रहते हैं कि तभी उन तीनों के सामने एक बड़ा सा जोकर वाला फेक भूत आ जाता है। हना उस भूत को देखकर चिल्लाती है बचाओ हमें कोई। मिको हना को चिल्लाते हुए देखती है और अपने मन में कहती है अब मैं समझी,
और फिर खुद भी हंसते हुए चिल्लाती है और वहां से भागने लगती है। मीको को भागते देख हना और यूरिया डर के मारे चिल्लाते हुए मीको के पीछे भागने लगती हैं। मीको भागते हुए अपने मन में कहती है, चिल्लाना ठीक है। वो बहुत खुश होती है क्योंकि वो पहली बार भूतों को देख कर रिएक्ट कर पा रही होती है। उनको फिर से एक भूत दिखता है। मीको फिर से हंसते हुए भागती है और हना और यूरिया डरते हुए भागती हैं और ये ऐसे ही चलता रहता है। आखिरकार मीको, हना और यूरिया हॉन्टेड हाउस के एंड में पहुंच जाती हैं। तभी मीको के पीछे एक भूत आ जाता है और मीको से हाय कहता है। मीको उसको देखकर थोड़ा शॉक हो जाती है। हना मीको से पूछती है, मीको हमें स्टैंप यही लगाना है ना? हना को सुनते ही मीको हना की तरफ मुड़ती है और फिर उसको रियलाइज होता है कि ये वाला भूत असल का भूत है क्योंकि हना ने चिल्लाया नहीं। मीको कहती है, हमें स्टैंप मिल गया है, चलो अब चलें। वो तीनों वहां से जाने लगते हैं। वो भूत भी उनके पीछे आने लगता है हाय हाय कहते हुए। मीको अपने मन में कहती है कि भूत मेरा पीछा कर रहा है। तभी हना पीछे मुड़कर देखती है और शॉक हो जाती है। मीको और यूरिया भी पीछे मुड़ते हैं और देखते हैं कि उन लोगों के पीछे फेक भूतों की बहुत बड़ी सेना होती है। हना बहुत ही डर जाती है। वो सारे भूत उनकी तरफ आने लगते हैं। तभी मीको कहती है, चलो एग्जिट की तरफ भागो, और वो तीनों लोग वहां से भागने लगते हैं। वो सारे फेक भूत भी उनका पीछा कर रहे होते हैं। तभी मीको भागते हुए पीछे देखती है कि वो असली वाला भूत भी उन फेक भूतों के साथ आ रहा होता है। मीको अपने मन में कहती है, मैं पूरे टाइम अपने इमोशंस अपने अंदर ही रखती थी, पर बस अब बहुत हुआ। और इतना कहकर वो भूत की तरफ मुड़ती है और रुक जाती है और जोर से चिल्लाते हुए कहती है, हमारे और करीब मत आओ। और सारे भूत वहीं रुक जाते हैं। वो असली वाला भूत अपने आसपास के सारे फेक भूतों को देखता है। तभी हना मीको से कहती है, वो लोग हमारी बात नहीं सुनेंगे, चलो भागो। मीको पीछे मुड़कर खुश होकर भागने लगती है और अपने मन में कहती है, फाइनली मैंने ये कह ही दिया। उसके बाद हना और यूरिया भी भागने लगते हैं और साथ ही साथ वो सारे भूत भी उनके पीछे भागने लगते हैं। हम देखते हैं कि वो असली वाला भूत वहीं खड़ा रहता है और बाकी सब चले जाते हैं। मीको, हना और यूरिया हॉन्टेड हाउस से बाहर आ जाते हैं और उनको उनका रिवॉर्ड मिलता है, यानी कि 20 डोनट्स। मीको लंबी सांस लेते हुए अपने मन में कहती है कि जो भी हुआ उससे उसको बहुत रिलैक्स फील हो रहा है। फिर वो यूरिया को देखती है जो जमीन पर थकी हुई बैठी होती है और अपने मन में कहती है, मुझे यकीन है कि यूरिया ने मुझे समझा होगा। यूरिया अपने मन में कहती है, अब मैं ऐसी जगह कभी नहीं जाऊंगी। और फिर वो खड़ी होती है कि तभी मीको उससे कहती है, नेक्स्ट टाइम असली हॉन्टेड हाउस चलेंगे। जिस पर यूरिया कहती है, बिल्कुल। और फिर यूरिया अपने मन में कहती है, क्या मीको मुझे टेस्ट कर रही है? फिर मीको, हना और यूरिया अपने घर जाने लगती है। हना के हाथ में 20 डोनट्स का बॉक्स होता है। वो कहती है, क्या हम इन डोनट्स को 8, 6 और 6 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं? जिस पर मीको कहती है, मैं 1-2 पीस में ही खुश हूँ। तभी यूरिया को एक शॉप दिखती है। वो शॉप भविष्य बताने वाली गॉड मदर की होती है जो कि उस टाइम बंद होती है। यूरिया उस शॉप के सामने जाकर अपना सिर झुकाती है। हना कहती है, ये तो वही जगह है ना जहाँ प्रेयर बीड्स मिलते हैं। मीको कहती है, तुम इस जगह को जानती हो? जिस पर यूरिया कहती है, ज्यादा अच्छे से नहीं। और फिर वो तीनों जाने लगते हैं। यूरिया अपने मन में कहती है कि मुझे यकीन है कि गॉड मदर अपनी शक्तियों को बढ़ा रही होंगी। फाइनली हमें गॉड मदर फिर से दिखाई देती है जो कि खेत जोत रही होती है। तभी वहाँ एक फार्मर आता है और गॉड मदर यानी कि मित्सु से कहता है, मिसेस मित्सु, आप बहुत ही हार्ड वर्किंग है। जिस पर गॉड मदर कहती है, हाँ मैं अपने बेटे के परिवार के सहारे नहीं रह सकती हूँ। और फिर वो पीछे मुड़ती है और देखती है कि वहाँ पे कोई नहीं होता, जिसके बाद वो अपना खेत फिर से जोतने लगती हैं। जाने से पहले बिली बिली कॉमिक्स को चेकआउट करना मत भूलिएगा। वेबसाइट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगी।